हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टाइटल पढ़ के पता चल गया होगा, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीसो की कुछ ज्वेलरी सेट, जिसमें मैंने यहाँ पे एडी की ज्वेलरी रखी है और कुंदन की भी एक दो ज्वेलरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरीज मैंने परचेज करी हैं और वेडिंग टाइम चल रहा है, शादियों के सीज़न चल रहे हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ज्वेलरीज अच्छी लगे, तो आप मेरे वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इनमें से कोई भी ज्वेलरी को परचेज करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें कोड ले सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि मीशो में कोड होता है, कोई भी लिंक नहीं होती है, तो मैं आपको कोड प्रोवाइड कर पाऊँगी, लिंक प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मीशो में कोड होते हैं, लिंक नहीं होती है। तो मैं प्राइस और जो भी कोड है मैं आपको मेंशन कर दूँगी इस वीडियो में, तो उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जो कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे मैंने कुछ ये ज्वेलरी सेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुंदन सेट से। तो यहाँ पे मेरे पास एक कुंदन की ईयरिंग्स है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो आप ट्रेडिशनल में, सूट में, साड़ी में बहुत ही अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। और प्राइस मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूँगी तो आप इसे चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी इस तरीके की ईयरिंग्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये छोटे छोटे इस तरीके से, इधर आपको डिटेलिंग दी गई है कुंदनों की, यहाँ पे मोतियों की डिटेलिंग है, यहाँ पे छोटे छोटे वाइट कलर के मोती हैं। आई होप आपको अच्छे से विजिबल हो रहा हो, इस तरीके का है, आप देख सकते हो, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर ईयरिंग है, ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसे अगर आपको नेक में कुछ पहनना नहीं पसंद है, आपको सिर्फ ईयर में पहनना है, कान में पहनना है, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लगने वाली है ये ईयरिंग। मुझे ये पर्सनली काफ़ी पसंद है, तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी परचेस कर सकते हो इस ईयरिंग को। मैं इसका कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसकी प्राइस मुझे लगता है 300 के अंदर ही है, मुझे एग्जैक्ट रेट याद नहीं है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर ईयरिंग है और देखने में हैवी लगती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, आपको पहनने के बाद बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने कोई भारी ईयरिंग्स पहन रखी है। तो बहुत ही लाइट वेटेड है, आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो हाईली रिकमेंडेड है, आप ज़रूर इसे परचेस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरी ज्वेलरी की। यहाँ पे है, यहाँ पे मेरे पास है ये कुंदन नेकलेस सेट, जिसमें तीनों चीज़ें हैं, ईयरिंग, मांगटीका सब है। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो देखते हैं किस तरीके से है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से दो ईयरिंग्स दी गई हैं, सेम पल्स और कुंदन का वर्क किया गया है इसमें, आप देख सकते हो। मैं इस तरीके से दिखाती हूँ तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस तरीके से है, इस तरीके की दो ईयरिंग्स मिलती हैं वो जो काफ़ी अच्छी हैं। और इसके बाद इसी तरीके का इसमें है एक नेक पीस, नेकलेस भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो। इसमें भी पल्स और कुंदन की डिटेलिंग दी गई है, आप देख सकते हो इस तरीके की है, और बहुत ही पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, आप देख सकते हो। ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। अगर आप इसे कोई भी फंक्शन में पहनो, या फिर कोई फेस्टिवल पे पहनना चाहो, या शादी पार्टी में पहनोगे, तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है ये नेक पीस। और इसको ये देखिए पहनने के बाद देखिए कितने अलग सा लुक आएगा। और इसी में आपको इसी तरीके से मिल जाए, जिस तरीके से ईयरिंग है उसी तरीके से मिल जाता है एक मांग टीका। ये देखिए देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, मैंने उल्टा लगा लिया था, ये है सीधा,
ये देख सकते हो, मुझे ये पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको थोड़ी बड़ी ज्वेलरी पहनना पसंद है, थोड़ी लॉन्ग लॉन्ग ईयरिंग्स पहनना पसंद है, तो आप इसके लिए हाईली रिकमेंडेड है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही सुंदर लगती है। ये ज्वेलरी बहुत ही सुंदर लगेगी। ये भी अंडर 300 के अंदर ही है, 300 या 400 में ही है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। बहुत ही सुंदर सेट है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने चाहती हूँ ये एडी की ज्वेलरी। आजकल एडी की ज्वेलरीज भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आजकल कोई भी पार्टी में, कोई भी फेस्टिवल में, या फिर कोई भी शादी पार्टी में एडी की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो बहुत लोग होते हैं जिनको एडी की ज्वेलरी हैवी पसंद नहीं है, कुछ कुछ लोगों को लाइट वेट पसंद है। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही लाइट, मतलब हल्की सी पतली सी चोकर टाइप में मंगाया है। अब ये देखिए, इस तरीके का ये चोकर है, जो इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हो राउंड राउंड शेप में, और एडी का ये है। ये पहनने के बाद काला नहीं पड़ता है, ये देख सकते हो। इसकी शाइन देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा लगता है पहनने के बाद, आपको बहुत ही अच्छा। अगर आपको कोई भी हैवी ज्वेलरी पसंद नहीं है, बहुत हल्का पहनना आप पसंद करते हो, तो आप इस तरीके से आप पहन सकते हो। एक मिनट, इस तरीके से आपको पता नहीं चलेगा, मैं आपको मैं पहन के दिखाती हूँ ये एक बार ना। अब देखिए, इस तरीके से अगर आप पहनते हो तो कितना सुंदर लगता है, आप खुद देख सकते हो। आपको जिनको बहुत ही लाइट वेट ज्वेलरी पहनना पसंद है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। बहुत ही सुंदर ज्वेलरी है ये, बहुत ही अच्छी एडी की है। और इसमें आपको इयररिंग भी मिलते हैं, बहुत क्यूट क्यूट से इस तरीके की इयररिंग है यहाँ पे। ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, मेरे हिसाब से इतनी ये साइज़ परफेक्ट है। लाइट वेटेड इयररिंग है, बहुत ही परफेक्ट साइज़ है, आपको बहुत ही पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो ये इयररिंग भी, ये सेट भी हाईली रिकमेंडेड है, बहुत सुंदर लगा मुझे पर्सनली। और उसके बाद मैं शेयर करने वाली हूँ एक और एडी का सेट, जो एकदम इसमें है। ये थोड़े मेहरून शेप में है, जो आप और मिक्स मैच करके पहन सकते हो। ये देखिए, ये भी सेट जो है काफ़ी पसंद है। देखिए, ये जो इनके जो ज्वेलरीज हैं वो एकदम स्टिफ नहीं है, आप अच्छे से मूव कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल, मतलब स्ट्रेचेबल नहीं, मतलब मूवेबल है। आप कहीं पे भी, ऐसे कोई कोई ज्वेलरी होती है ना एकदम कड़क होती है, जो हमारी नेक पे अच्छे से फिक्स नहीं होती है, ये आपको अच्छे से फिक्स हो जाएगा। कहीं पे भी आप मुड़ा सकते हो, आप देख सकते हो कितने अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। तो ये एक सेट है जिसमें ये रूबी के स्टोन्स लगे हुए हैं रेड कलर के। आप ये देखिए, इस तरीके का चोकर है ये। आई होप आपको सही से दिख रहा हो, इस तरीके से है। ये भी पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एलिगेंट लगता है, आप देख सकते हो। इसे लगाने के बाद आपका जो निखार है, आपका जो फेस है, एकदम अलग सा चमकने लगेगा। आपका जो लुक है ना, एकदम अलग सा हो जाता है, आप देख सकते हो। इसे पहनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ये एक चोकर है, ये भी मेरे को हाईली रिकमेंड करूँगी मैं आपको, मुझे काफ़ी मुझे अच्छा लगा। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है आप सोच लोगे मैं तो हर चीज़ रिकमेंड कर रही हूँ आपको, जी नहीं। ये मुझे अच्छे, जो मुझे पसंद आए हैं वो ही मैं आपको बता रही हूँ। और इसके देखिए कितनी क्यूट सी इयररिंग्स है, बहुत ही छुटके छुटके से हैं और बहुत ही क्यूट है, ये आप देख सकते हो। इसका भी कोड, अगर आप इसको भी लेना चाहो तो ले सकते हो आसानी से, इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ये एक है। और लास्ट ज्वेलरी दोस्तों मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है, जो काफ़ी पसंद है मेरा। ये थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन अगर आप जितना अमाउंट है उससे आप लगाओगे तो आप देख, जब आप मंगाओगे आपको लगेगा कि हाँ ये वर्थ इट है। ये देखिए दोस्तों, आप सब जानते हो एडी की ज्वेलरी थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, बट मुझे ये मीशो पे बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रेट में मिल गई है। आप देख सकते हो, सी द डिज़ाइन, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। इसमें आपको ना दो कलर अवेलेबल हैं, सारे में आपको कलर मिल जाएंगे, आपको जो कलर चाहिए। इसमें एक पिंक कलर है, लाइट पिंक कलर का पीस में, ये जो स्टोन है उसमें कलर्स आपको मिलेंगे,
पिंक, पीच, ग्रीन वो भी अवेलेबल है, आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे वाइट स्टोन मंगाया है जो कि हर किसी के साथ अच्छे से जाता है, और पहनने के बाद आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। मुझे ये काफ़ी पसंद है, मैंने इसको कभी नहीं पहना है, ये बहुत ही जल्द मैं पहनने वाली हूँ इसको शादी में। बहुत ही अच्छी ज्वेलरी लगी मुझे ये, आप देख सकते हो, और बहुत ही अच्छे से सेट हो रहा है ये नेकलेस। ऐसा नहीं है कि बहुत उठा उठा लग रहा है या कुछ भी, आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात इसकी जो है वो है इसकी इयररिंग, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। एक लॉन्ग लॉन्ग इयररिंग है जो मुझे अच्छी लगती है पहनना, आप देख सकते हो इसकी इयररिंग इस तरीके से, ये इस तरीके से इयररिंग है, काफ़ी सही है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप देखो पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर लगने वाला है ये सेट। आप इसे लहंगे पे पहनिए, साड़ी पे पहनिए, सूट पे पहनिए, बहुत ही सुंदर लगेगा ये ईयरिंग का सेट। मुझे ये सेट मेरा नंबर वन पे है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस पे। इससे ये कुछ 1200 के लगभग है, लेकिन आप सोच रहे हो इतना महंगा, नहीं दोस्तों, आप मंगा के देखिए, आपको ये वर्थ इट लगेगा जितना 1200 का। उसकी क्वालिटी और उसकी शाइनिंग, वो हर चीज़ परफेक्ट है। और उसके बाद दोस्तों लास्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है दोस्तों एडी का ही, मैंने एक मांगटीका मंगाया था जो कुछ 300 के अंदर ही है, बहुत ही क्यूट सा है, छोटा सा है वो। मैं सेट में ये सोचा वो सेट में पहनूंगी, तो उसके साथ मैंने मांग टीका लिया है जो मैं उसके साथ वेयर कर सकूं, क्योंकि उसमें मांग टीका नहीं था, तो मैंने इसे अलग से मांग टीका लिया है। आप देख सकते हो कितना प्यारा ये मांग टीका है, ये इस तरीके से स्टोन में ही है, और इसकी शाइनिंग देखिए आप, शाइनिंग देखिए, आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त शाइन कर रहा है, बहुत ही पहनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा, आप देख सकते हो। ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगेगा, बहुत ही ज़्यादा मस्त लगने वाला है। मेरे तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है, देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। और अगर आप भी चाहते हो कोई इस तरीके की ज्वेलरीज लेना, और आपको अगर अच्छी लग रही हैं तो आप इसे बेझिझक ले सकते हो। इन सारी चीज़ों के कोड मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो जल्दी से जाके आप परचेज़ कर सकते हो। कुछ कुछ चीज़ों का कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टॉक आउट हो जाता है, तो इसीलिए मैं कोड ना दे पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। सारी चीज़ें अभी तो उसमें मीशो पे अवेलेबल हैं, तो आप जल्दी से, अगर आपको अच्छी लग रही है तो जल्दी से जाके परचेज़ कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये सोल्ड आउट भी हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ ज्वेलरी हॉल जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो पसंद आई हो, तो जल्दी से मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर उन्हें अच्छी लगे तो वो भी परचेस कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है ये ज्वेलरीज। और दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जो कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।